अगर मौत मेरा शौर्य साबित होने से पहले मुझ पर हमला करती है तो मैं अपनी मौत को ही मार डालूंगा। परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज पांडे, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपनी भारत माता की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। 4 मई 1999 को ऑपरेशन रक्षक के लिए उनकी यूनिट को कारगिल जाने का आदेश मिला। 2 जुलाई को कप्तान मनोज पांडे की यूनिट 111 गोरखा राइफल को कालूवार से दुश्मन की पोजीशन क्लियर करने का आदेश दिया गया। यूनिट की कमांडिंग ऑफिसर कर्नल ललित राय खुद जवानों की अगवाही कर रहे थे। कैप्टन मनोज पांडे भी अपने कर्नल से बहुत प्रभावित हुए, संघर्ष में जीत की बारीकियां उनसे सीख रहे थे। 22 ग्रेनेडियर की चार्ली कंपनी गोरखाओं से पहले खालूबार पर भेजी गई। 3 दिन तक उनकी कोई खबर नहीं लगी। 3रे दिन उनकी ओर से मदद का एक सिग्नल आया। मौके की नजाकत को देखते हुए कर्नल ललित राय ने सुबह ही मिशन का बेड़ा उठा लिया। पर इस मिशन को पूरा करने के बाद भी गोरखाओं का असली लक्ष्य अभी बाकी था। घंटों की लगातार चढ़ाई के बाद चोटी से करीब 400 मीटर की दूरी थी। 60 से 70 मशीन गन से एक साथ पाकिस्तानी गोलियां बरसा रहे थे। तोपों से भी गोले दागे जा रहे थे। रॉकेट लॉन्चर और ग्रेनेड लॉन्चर भी इस्तेमाल किए जा रहे थे। पर ना अब तो रुकना विकल्प था और ना ही पलटना। सामने से आती गोलियों से बेपरवाह गोरखा आगे बढ़ते जा रहे थे। उनका यह रूप देख, यह शौर्य देख पाकिस्तानियों के पांव तले मानो जैसे जमीन ही खिसक गई हो। उन्होंने अपनी तोप का मोह भी सैनिकों पर खोल दिया। 16,700 फीट की ऊंचाई पर रात की भयंकर ठंड को गोले बारूद की गर्मी वक्त वक्त पर पिघला रही थी। पर सामने से आती गोलियां और दूसरी ओर से आते गोलों के बीच लड़ना आसान नहीं था। अब केवल 60 जवान पलटन ही बाकी थे। कर्नल राय 30 जवानों के साथ एक ओर से आगे बढ़े और कैप्टन मनोज पांडे दूसरी ओर से धावा बोले। पूरी तरह से बौखलाया पाकिस्तान अब बीच बीच में एयर बस्ट भी फायर करने लगा। दुश्मन की ओर से कुछ देर पर एल्यूमिनेशन राउंड फायर भी किए जाने लगे, जिसकी रोशनी करीब 3 मिनट तक रहती थी। अगर कैप्टन पांडे रुकते तो सवेरा हो जाता। मनोज पांडे ने अपने राइफल के बीच ब्लॉक को अपने ऊनी मोजों से ढक रखा था ताकि वो गर्म रहे और ठंड से जाम ना हो जाए। हर सैनिक के पास 1 लीटर पानी की बॉटल थी, लेकिन आधा रास्ता पार करते हुए उनका सारा पानी खत्म हो चुका था। मनोज ने अपने सूखे हुए होंठों पर जीभ फेराई, लेकिन उन्होंने अपनी पानी की बोतल को हाथ भी नहीं लगाया। उसमें सिर्फ 1 घूंट पानी बचा था, पर मनोज अच्छी तरह जानते थे 1 बूंद भी सही अगर बोतल में पानी बाकी हो तो जिंदगी बाकी है, उम्मीद बाकी है, हिम्मत बाकी है। कर्नल राय को तो सिर्फ 4 बंकर नजर आए थे, परंतु कैप्टन मनोज पांडे ने ऊपर जाकर रिपोर्ट की कि यहाँ तो 6 बंकर हैं। हर बंकर से 2-2 मशीन गन आग उगल रही हैं। कैप्टन मनोज पांडे और उनके साथी जमीन पर रेंगते हुए बंकर के बिल्कुल करीब पहुंच गए। मनोज ने एक एक कर 3 बंकर को नष्ट कर दिया, लेकिन जब वह 4थे बंकर में ग्रेनेड फेंकने की कोशिश कर रहे थे तो उनके बाएं हिस्से में कुछ गोलियां लगी और वह लहूलुहान हो गए। जवानों ने कप्तान मनोज से कहा, सर अब तो 1 ही बंकर बचा हुआ है, आप यहाँ बैठ कर देखिए, हम जाकर खत्म करके आते हैं। लेकिन बैठकर देखने वाला पाठ तो कैप्टन पांडे ने जैसे पढ़ा ही नहीं था। बोले, देखो कमांडिंग ऑफिसर ने यह काम मुझे सौंपा है, मेरा फर्ज बनता है कि मैं इन बंकरों को नष्ट करूं और कर्नल सर को अपना विक्ट्री साइन भेजूं। बदन से बहते हुए खून को अनदेखा कर वह रेंगते रेंगते 4थे बंकर के पास पहुँचे। उन्होंने खड़े होकर ग्रेनेड फेंकने की कोशिश की, तभी पाकिस्तानियों ने उन्हें देख लिया और मशीन गन से 4 गोलियां फायर कर दी। यह गोलियां उनके हेलमेट को पार करके उनके सर को चीरती हुई चली गईं और वह जमीन पर गिर पड़े। भारत का सिपाही जमीन पर गिर सकता है, उसकी हिम्मत कभी नहीं गिरती, उसके देश प्रेम का पारा कभी नहीं गिरता।
लेकिन उस खून का कोई क्या करे जो भारत माता के सीने पर गड़े हुए दुश्मनों के खेमे देखकर बारूद में बदल जाता है। उन नसों को फटने से कोई कैसे रोके जो परचमे सितारा और हलाल की एक झलक से तन जाती है। धमनियों में दौड़ते माँ के दूध का उबाल कोई कैसे संभाले और एक फौजी उस सौगंध को कैसे भूल जाए जो उसने वर्दी पहनते हुए ली थी। सबसे पहले राष्ट्र की सुरक्षा, गौरव और हित। और एक भारतवासी भगवत गीता को कैसे भूल जाए जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट रूप से कहा है, स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपने धर्म के लिए, राष्ट्र धर्म के लिए मर मिटने से बड़ा श्रेय और कोई नहीं। मरते मरते पूरी जान लगा के कैप्टन पांडे ने अपने साथियों से कहा, ना छोड़ ना तू जानी, उन घुसपैठियों को छोड़ना मत। मरते मरते रहे बाकपन साथियों। सिर्फ 24 वर्ष की उम्र में मनोज पांडे ने वो कर दिखाया जिसके किस्से हजारों हजारों वर्ष दोहराए जाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।